अच्छा हुआ कि मुझे माँ की शक्ति का एहसास हो गया, वरना अगर माँ विवान को देख लेती तो। मैं तो सोफे पे था ना। अच्छा ने क्या किया कि ये क्या घोटाला है ब्रो? विवान, हमारे प्लान के हिसाब से मैं अभी गिरपड़े जी के पास जाऊंगा और उन्हें खबर दूंगा। तब तक तुम यहाँ मेरी दोनों बहनों के साथ रहोगे। ओ हेलो पार्टनर, कौन सा प्लान हा? और मैं कब मान गया? किसी और के प्लान में साइड हीरो बनने का मुझे कोई शौक नहीं है। अरे अभी तो माने थे, वापस भूल गए? और विवान, अगर तुम बाहर आए और उन किडनैपर्स ने तुम्हें देख लिया तो बाकी बच्चों को खतरा हो सकता है। तुम यहीं रुको, मैं जाता हूँ। अरे मेघा जी, आप लोग कहाँ थे? मैं कब से परेशान, मेरा मतलब है हम सब लोग परेशान हो रहे थे, है ना छड़ा भाई? दरअसल कानून जी, वो हमें एक नई जानकारी मिली है। क्या क्या जानकारी मिली है? गिरपड़े जी, हमने उन किडनैपर्स को बांगुर नगर में देखा था, लेकिन हम उन्हें पकड़े या फिर वो पुलिस को खबर करे उससे पहले वो लोग भाग गए वहां से। बांगुर नगर? अच्छा बांगुर नगर में एग्जैक्टली वो लोग कहाँ थे? नहीं मतलब हो सकते हैं वहाँ सीसीटीवी फुटेज की कोई रिकॉर्डिंग हुई हो। कानून जी, इससे ज्यादा जरूरी बात तो ये है कि जो किडनैपर्स भारत नगर में बच्चे उठाने आए थे वो लोग फिर से यहाँ आने वाले किसी और बच्चे को उठाने। हमने ये उन्हें बात करते हुए सुना था। इन किडनैपर्स की ऐसी की तैसी, अब मैं दूंगा यहाँ दिन रात पहरा, देखता हूँ कैसे यहाँ कोई किसी बच्चे को हाथ लगाता है। अरे छेड़ा भाई चिंता मत करो, पूरी पुलिस फोर्स भिजवा दूंगा भारत नगर में। हाँ किडनैपर्स यहाँ आए ना तो पचके नहीं जाएंगे, मैं बैकअप बुलाता हूँ। तब तक हम सब यही मंदिर में रुकते हैं और प्रार्थना करते हैं कि जो बच्चे भारत नगर में है वो सुरक्षित रहे और जो लापता है वो सही सलामत वापस आ जाए। नहीं मिसेस छेड़ा, अब इस दिए में रोशनी तभी होगी जब हम सबकी आंखों की रोशनी हमारे बच्चे वापस आ जाएंगे। झाला परी, आप दोनों परियां यहीं रुकिए, मैं विवान के साथ जा रहा हूं योजना का अगला कदम पूरा करने। अरे सुनिए, कहाँ जा रही हैं आप? नहीं कहीं नहीं, तुम बताओ ना क्या खबर मिली है? खबर तो ये मिली है कि भारत नगर कॉलोनी में जो किडनैपर्स आए थे ये उनकी बहुत ही पसंदीदा जगह है और वो लोग फिर से यहाँ बच्चा उठाने आने वाले हैं और वो लोग जैसे ही बच्चा उठाने यहाँ आएंगे हम उन्हें धर दबोचेंगे। अब क्या हो रहा है ब्रो, मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? अरे मैं नहीं, तुम मुझे लेकर जा रहे हो वहाँ जहाँ किडनैपर्स ने सभी बच्चों को पकड़ के रखा है। एक मिनट, तुम कोई पुलिस हो? सुपर हीरो? लोगों को बचाने की तुम्हारी जो हॉबी है ना उसे थोड़ा कंट्रोल में रखो और चलो गिरपड़े अंकल के पास। अरे विवान, गिरपड़े जी को मैंने ऑलरेडी बता दिया है वो ट्रैफिक में फंसे इसलिए उन्हें देर लगेगी और हम इंतजार नहीं कर सकते, तुम्हारे दोस्तों की जिंदगी का सवाल है। और वैसे भी तुम मेरे साथ हो तो फिर पुलिस की क्या जरूरत? ये लास्ट वाली बात तो तुमने अंकल की कही पार्टनर। ठीक है मुझे थोड़ा दिमाग पे जोर डालने दो। याद आ गया, एक अंधेरा रूम था और क्या? और वहां मुझे ट्रेन की आवाज आ रही थी। पुरानी पटरी और कुछ आसपास कोई आवाज? हाँ, जब मैं वहां से भागा था
तब मुझे 100 झंडीन भजन की आवाज सुनाई दे रही थी। और कुछ वो जगह या फिर कुछ और? हाँ, वहाँ बाहर एक बड़ी सी फैक्ट्री थी और वहाँ पर कोल्ड स्टोरेज का बोर्ड था। और तुम्हें वहाँ से यहाँ आने में कितना समय लगा? पता नहीं, शायद 20-30 मिनट होगा। इसका मतलब जहाँ पर बच्चों को किडनैप करके रखा गया है वो यहाँ से नजदीक है, और उसके आसपास रेलवे की पटरी भी है और दक्षिण भारतीय मंदिर भी। हमें उस जगह को जल्द से जल्द ढूंढना होगा। चलो। हम हैं। अरे आप दोनों हो, मैं तो बस डरने का नाटक कर रहा था। मैं और किडनैपर से डर जाऊं ऐसा हो ही नहीं सकता। वैसे आप दोनों इस अजीब से कपड़े में क्यों घूम रहे हो? क्योंकि थोड़ी देर में तुम किडनैप होने वाले हो। अच्छा अच्छा, क्या धोनी परी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? मेरा दिल तो बैठा जा रहा है। खड़े हो जाओ। मेरा दिल धबड़ धबड़ भी कर रहा है। धबड़ 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 धबड़। अरे धबड़ धबड़ करते हुए दिल को थोड़ा रोको टूपा टूपा। हम तो बस किडनैपिंग का नाटक कर रहे हैं ताकि हम असली किडनैपर्स का ध्यान अपनी तरफ खींच सके, समझे? समझा तो नहीं, लेकिन तुम लोग मेरे समझने का इंतजार थोड़ी करोगे। कर लो मेरा किडनैप। सब लोग अपनी वॉकी टॉकीज बंद रखेंगे। किडनैप उसको पता नहीं चलना चाहिए कि यहाँ पुलिस का बंदोबस्त है। उधर जा, तुम उधर जाओ, बाकी मेरे साथ आओ। अब वैसे मस्ती परी, अब पालवीर इतनी जल्दबाजी में कहाँ गया? वो बालपरी, मैंने आपको बताया था ना, भारत नगर कॉलोनी में आने के इतने सारे रास्ते हैं, तो कानून जी बस ये रास्ते पर पहरा देंगे। और बालवीर स्कूल के पीछे एक मैदान है, वहाँ पहरा देगा। चाहे कितने भी पहरे लगा लो, काल यज्ञ के लिए एक बच्चा तो लेकर ही जाऊंगी। ना ही पृथ्वी लोक के जी कमजोर लोग मुझे रोक पाएंगे और ना ही बालवीर। राजा मेरी बात सुनिए, विवान को मार के भैरानी और कालपरी से दुश्मनी मोल लेना ठीक नहीं है। मैं दुश्मनी नहीं, काल लोग का मुकुट लेने वाला हूँ। अरे मुंडी बचेगी तो मुकुट पहन पाएंगे ना आप? ऐसा मैं नहीं, वैसे भी बालवीर और परियों ने भारत नगर में डेरा जमा के रखा है अपना। तो? अरे तो क्या, सुनिए ना, बोलो साहब क्या मांगता है? काला खट्टा ठंडा संतरा मलाई शरबत खसगोला। अंकल एड्रेस मांगता है। यहाँ आसपास कोई कोल्ड स्टोरेज या कोई पुरानी बंद फैक्ट्री है? क्या आसपास कोई साउथ इंडियन या अयप्पा मंदिर हो? इधर तो दो दो कोल्ड स्टोरेज है और दोनों के पास अयप्पा मंदिर है। आपको कौन से वाले के पास जाने को मांगता है, लेफ्ट वाले में या राइट वाले के पास? लेफ्ट वाले के, राइट वाले मंदिर। अरे लेफ्ट वाले पहले। क्यों के साथ घूम बन के पीसने में कोई फायदा नहीं है। भैमार को अपनी दुर्गति कराने भरे करवाए उसकी मर्जी, मैं तो यहाँ कहीं छुप कर पुल्पी बेचकर अपना गुजारा करूंगा। मरने तो बेवकूफ कहीं का।
लेफ्ट राइट वाला मंदिर। अरे लेफ्ट नहीं राइट वाला। यहाँ मैं ना कि आपके लेफ्ट वाला। नहीं विवान राइट वाला। नो ब्रो पहले लेफ्ट। नहीं विवान राइट वाला। लेफ्ट राइट वाला मंदिर हमेशा राइट होता है क्योंकि राइट ही राइट है। अपनी मुंडी उधर घुमाओगे ना तो लेफ्ट वाला राइट हो जाएगा और राइट वाला लेफ्ट। सिंपल ब्रो अभी लेफ्ट वाले में चलो। नहीं विवान राइट वाला मंदिर प्लीज। अभी वाला बालवीर और अगला बालवीर दोनों एक साथ बेवकूफ भैमार को बताना पड़ेगा। राजा सुनिए मेरी बात। अभी भारत नगर में जाना मतलब अपने सर पे जूते मारने जैसा है। क्या बकवास कर रहा है? जरा सोचिए ना, आप भारत नगर आ गए और इतनी देर में बालवीर उधर बाकी बच्चों को लेकर फूर हो गया तो महिलाने का कालेगत तो चौपट हो जाएगा और साथ में आपकी इज्जत भी, जो वैसे भी बची नहीं है। ऐसा मैं नहीं, कालो वाले बोलेंगे। अरे अरे सुनिए भाई राजा, ये भैमार तो दोनों तरफ से पिटने वाला है। क्या करूं, बालवीर से हाथ मिला लूं क्या? क्या करूं क्या करूं? चलो एक और मौका दे देता हूं इस भैमार को। अरे पैदल ठीक है। हाँ हम आए अपनो। ए बड़ा एक बड़ा, अरे तुम अकेले क्यों घूम रहे हो? सबको मंदिर में जाने को बोला है ना? हाँ मंदिर कहाँ है? मंदिर है ना उस तरफ, इधर उस तरफ। हाँ हाँ बोल। बच्चा किधर गया? एक मिनट एक मिनट, किंडर पर्स बच्चा गायब। निकलो हेलो हेलो, ये वॉकी टॉकी तो बंद है, मोबाइल करना पड़ेगा। ए पवार हाँ गिर पड़े यार, वो मिश्रा के घर के पीछे के गली में पहुंचो, वो अपने वॉकी टॉकी ऑन रखो। हाँ अभी अभी मैंने दो किडनैपर टाइप लोग काले कपड़े में भागते हुए देखे। हाँ जल्दी पहुंचो, मैं भी पहुंचता हूँ। अब जो शोरगुल शुरू होने वाला है उसमें मुझे बालपरी का ध्यान भटकाना होगा। बालपरी वो देखिए, लगता है पुलिस वालों को कोई खबर मिली है, हमें वहां जाकर उनकी मदद करनी चाहिए। चलिए आइए। वहां बालपरी बालपरी मैंने वहां से किसी को जाते हुए देखा लेकिन पुलिस से इस तरफ गई। नहीं नहीं आप चलिए ना बालपरी, आप चलिए आइए। यही है वो गली आज मैं भागा था। इसका मतलब उन बच्चों को यही कहीं छिपा के रखा गया है। इसके दिमाग का फ्यूज उड़ गया लगता है, कंफ्यूज होकर खुद के सिर पर टप भी मार रहा है। अब तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। मैं जब उस अंधेरी रूम से भागा था तो मैंने पहले राइट लिया फिर लेफ्ट लिया, उसका मतलब उधर। ये तो कमाल हो गया पार्टनर, पहली बार हम दोनों किसी एक बात पे राजी हुए। ब्रो मैंने आधे सेकंड पहले उधर इशारा कर दिया था तो राजी मैं नहीं, तुम हुए हो मेरे साथ। ओके ओके अब चलो। यही है वो जगह जहाँ मुझे उन किडनैपर्स ने किडनैप करके रखा था। ये देखो कोल्ड स्टोरेज भी है। अरे कहाँ जा रहे हो? अंदर उन किडनैपर्स को बताने कि विवान आ गया है और अब उनकी पिक्चर का होने वाला है। The end.
दी एंड तो होगा उनका, लेकिन तुम्हारे हाथों नहीं, मेरे हाथ। सिर्फ मैं अंदर जाऊंगा, तुम नहीं। विवान चलो। ओ हेलो, हम दोनों तो यहाँ अकेले थे, अब अचानक कहाँ से प्रकट हो गए? तुम चलो। ओए देवरों किधर गए? वो गए अंदर और तुम मेरे साथ चल रहे हो अभी। चलो। ए, एक मिनट। एक्शन अंदर चल रहा है और हीरो बाहर आ जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। विवान रुक जाओ, तुम अंदर नहीं जा सकते। अरे विवान भाग गया तो क्या हुआ? जितने भी बच्चे बच्चे हैं, उन्हें भेज देते महारानी के पास, बाद में भूल चुक के लिए माफी मांग लेंगे। ए, भैमार ने माफी मांगने नहीं सीखी है। ए, मुझे तो लगता है आपने कुछ सीखा ही नहीं है बकेती के अलावा। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा धरती वाले बोलते। बकबक और डकैती को मिलाकर बन गया बकेती। चुप कर, बच्चे लेके जाना शुरू कर। हम लोग छुपन छुपाई का खेल खेलते रहेंगे जब तक बालवीर अगुआ बच्चों को छुड़ा नहीं लेता। इसका मतलब है कि बालवीर को सब पता चल गया है, पर मुझे उलझाने के लिए इतनी देर से इतना नाटक चल रहा था। बालवीर, इसी के लायक है। मुझे तो भूख नहीं लगी, मैं यहीं छुपे रहता हूँ। स्वागत नहीं करोगे मेरा? विवान रुको, विवान नहीं, ये रुको विवान, या नहीं रुको विवान, दोनों में अंतर है। अब इसके सामने तो मैं अपने जादू का भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। बालवीर, ये नाटक तूने शुरू किया है, खत्म अब मैं करूंगी।
डरो मत बच्चों, तुम सब सुरक्षित हो और अब जल्दी पुलिस भी आने वाली है, डरो मत। माँ ने सुरक्षा कवच तोड़ दिया। ऐसा कोई सुरक्षा कवच नहीं बना जो इन बच्चों को मुझसे बचा सके। तुम दोनों पीछे के दरवाजे से बच्चों को बाहर लेकर जाओ, इसे मैं संभालता हूँ। एक से भले दो, दो से भले मैं अकेला, इसे मैं संभालूंगा, तुम जाओ। विवान प्लीज प्लीज मेरी बात मानो, तुम्हें सलमान भाई की कसम। वो तो सलमान भाई की कसम दे दी, बात माननी पड़ेगी। चलो जल्दी चलो चलो चलो। कभी नहीं सोचा था कि किसी दिन ऐसे मोड़ पर अपनी मां से आमना सामना करना पड़ेगा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।